1902 से धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में कार्यशील सिख संस्था चीफ खालसा दीवान के प्रधान उप प्रधान पद के लिए चुनाव आज शांत ढंग से संपन्न हो गए हैं। ये चुनाव चीफ खालसा दीवान के मुख्य कार्यालय में हुए। बता दें कि चीफ खालसा दीवान के पूर्व प्रधान और अकाल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य शहर की कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े चरणजीत सिंह चड्ढा की अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पद से हटा दिया गया था। इस मामले के सामने आने के बाद उठे विवाद में उनके बेटे ने सुइसाइड कर लिया था। उनको हटाने के बाद अब तक यह पद खाली था। इसके अलावा अब चुनाव हुए, तीन अलग अलग पक्षों में 9 उम्मीदवार मैदान में थे। इन चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए थे। बता दें कि चीफ खालसा दीवान 111 वर्ष पहले 1902 में बनाया गया था। आज चुनाव संपन्न होने के बाद नवनियुक्त पदाधिकारी डॉक्टर संतोख सिंह अध्यक्ष के रूप में एवं सर्वजीत सिंह उपाध्यक्ष के रूप में सामने आए। उन्होंने मीडिया के रूबरू होकर अपने विचार मीडिया के सामने रखे। ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਭ ਡਿਸੋਲਵ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਆਏਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ